हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्रेट्स ऑफ किचन। जो हमारी आज की रेसिपी है वो है हमारा पिज़्ज़ा रोल। ये ब्रेड पिज़्ज़ा होता है जैसे हमने उसको रोल कर दिया, और ये बस चार इंग्रेडिएंट से बना है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है, बहुत ज़्यादा चीज़ी है, अंदर का मोल्टन लावा चीज़ है, इतना फैंटास्टिक है। और बहुत, अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स से बनाएंगे तो आपका भी ज़रूर इतना ही अच्छा बनेगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके भी बताइएगा कि आपका कैसा है। देखिए अंदर का मोल्टन लावा और सॉस, मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना चीज़ी बना है ना, आप भी ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। पहले तो यहाँ पे मेरे पास 3 ब्रेड स्लाइसेस हैं, मैं आज इनका ही बनाऊँगी। अब इसे हम लोगों को रोल करना होगा, यानी मतलब इसको एकदम पतला करना होगा। रोलिंग पिन से हम लोग इसे एकदम पतला सा कर देंगे, मतलब पराठे जितना थिकनेस में कर देंगे। तो ये देखिए, और इसमें हमें साइड्स कट नहीं करनी है, तो इससे साइड्स भी बच जाएंगे। ये सिर्फ 4 इन्ग्रीडियंट से बनेगा। तो ये मेरी तीनों ब्रेड स्लाइसेस को मैंने एकदम अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब इसमें हम लोग करेंगे 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस का लगाएंगे, जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप पिज़्ज़ा वाली मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप मोमोज वाली चटनी भी इसमें बहुत अच्छी लगती है लगाने में, या तो आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अप्लाई कर लिया है 1 टीस्पून। अब इसमें हम 1 हैंडफुल ग्रेटेड चीज़ का डाल देंगे। तो ये मोज़रेला प्लस चेडार चीज़ को मैंने मिक्स कर लिया है, तो 1 हैंडफुल जितनी चीज़ है। उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे, इससे बहुत टेस्टी बन जाता है। और ये देखिए मैं कर चुकी हूँ, और इसको अब एकदम हमें रोल करना है। एकदम जेंटली हम लोग इसे रोल करेंगे, और ये देखिए हमारे ये रोल बनके तैयार हो गया, कितना बढ़िया है। और इसको आप थोड़ा सा रोल कर दीजिए, और देखिए कितना बढ़िया बना है ये। अगर एकदम हम लोगों को एकदम हल्के हाथ से करना होगा, और ये हो चुका है। और अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और मोज़रेला चीज़ प्लस चेडार चीज़ को ऊपर से डाल देंगे वापस से। और देखिए थोड़ा सा मैंने और डाल दिया, जिससे और चीज़ी हो जाए, बहुत टेस्टी भी लगे खाने में। और थोड़ा सा ऑरिगैनो और स्प्रिंकल करेंगे, और मैं थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल करूँगी, तो ये ऑप्शनल है। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स वाला हो जाएगा, वरना तो आप सिंपल ऑरिगैनो ही स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं खाते हैं। अब इसे हम लोगों को 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में करना होगा, जब तक कि चीज़ पिघल ना जाए। ये देखिए अंदर का मोल्टन चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपके मुँह में और मेरे मुँह में, दोनों के मुँह में पानी आ गया होगा इसको देख के। और ये एकदम इसका पिज़्ज़ा वाला टेस्ट होगा। देखिए कितना अच्छे से सील करने से कितना बढ़िया बना है, चीज़ हमारा जरा सा भी बाहर भी नहीं आया। और ये देखिए कितना ज़्यादा चीज़ी बना है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।